गणेश चतुर्थी आने वाली है और इस गणेश चतुर्थी हम बनाएंगे गणेश जी के भोग के लिए उनके सबसे प्रिय बेसन के मोदक, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच घी। घी के मेल्ट होते हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। ये वजन में 150 ग्राम है। अब बेसन को हमें घी के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक भुनना है। इसको भुनने में 10 से 12 मिनट लग जाएगा और या फिर जब तक भुनना है जब तक ये अच्छे से घी रिलीज नहीं कर देता है। देखिए बेसन ने अच्छी तरीके से घी रिलीज कर दिया है और इसको भुनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। अब इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे हम और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर इसके हम मोदक बना सके। देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इस स्पैचुला से अब मैं इसे पूरी प्लेट में फैला दूंगी जो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसमें हमें गरम गरम में ही चीनी या चीनी का पाउडर नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर चीनी मेल्ट हो जाएगी और फिर हमारे बिल्कुल भी मोदक नहीं बनेंगे क्योंकि बेसन हमारा लिक्विड हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें मिलाएंगे हम शक्कर का बूरा। आप शक्कर के बूरे की जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर 1 कटोरी शक्कर का बूरा लिया है। ये वजन में 100 ग्राम में बूरा डालने से हमारे मोदक में जो थोड़ा सा दाने जैसा टेक्सचर आएगा। आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हो। देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड पे रख देंगे और यहाँ पर लेंगे एक मोदक मोल्ड और इसे घी से ग्रीस कर लेंगे जिससे हमारे मोदक आसानी से निकल जाए। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, इसके लड्डू भी बन जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम थोड़े से इसमें पिस्ता की कतरन लगा लेंगे जिससे कि हमारे मोदक दिखने में सुंदर लगे। वापिस ही हमारे बेसन वाली प्लेट लेंगे और थोड़ा थोड़ा बेसन इसमें से निकाल के हम मोदक के मोल्ड में डाल देंगे। देखिए इस तरीके से इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे जिससे मोदक अच्छे से बने। देखिए इस तरीके से और अब इसको मोदक मोल्ड में डाल देंगे और अब मोल्ड को हम बंद करके इसको अच्छी तरीके से दबा देंगे। देखिए इस तरीके से और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बेसन है उसे हम निकाल देंगे और अंगूठे से थोड़ा नीचे से दबा देंगे और देखिए अब ये हमारा अच्छे से मोदक बनके तैयार हो गया। मैं आपको खोल के बताती हूँ कितना अच्छा हमारा मोदक बना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स मोदक बनाना, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आसानी से बन जाएंगे और इसी मिश्रण से आप लड्डू भी बना के तैयार कर सकते हो। देखिए बेसन के लड्डू बना के भी आप गणेश जी को भोग लगा सकते हो। देखिए मैंने दूसरा वाला मोदक भी बना लिया है सेम तरीके से और सारे मोदक हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे और इस गणेश चतुर्थी आप भी मोदक बनाइए और गणेश जी को भोग लगाइए। देखिए हमने सारे मोदक बना के तैयार कर लिए और बहुत ही अच्छे हमारे मोदक बने हैं। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।